दिल्ली में बीजेपी ने अपने 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने हिस्से की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने खाते की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अभी तक अपने 17 सीटों में से किसी भी एक सीट से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। ऐसे में कांग्रेस में टिकट बंटवारे की परेशानी बढ़ गई है। इन दावेदारों का कहना है कि पार्टी पहले ही कमजोर स्थिति में है, देर से टिकट घोषित होंगे तो चुनावी तैयारियां कब होंगी, समय कब मिलेगा, चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ेगा। दिल्ली में एक लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट पाने के लिए दावेदारी कर रहे एक उम्मीदवार ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस समय कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करके जनता को अपने पक्ष में लाया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय, बीजेपी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप, ये सारे मुद्दे जनता के बीच में उठाए जा सकते हैं। इन्हीं मुद्दों के सहारे लोकसभा चुनाव को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, लेकिन टिकट न पाने से नेता कार्यकर्ता सुस्त पड़े हुए। इस पार्टी नेता का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार वापसी करने के लिए बेहतर अवसर हो सकता है। मुस्लिमों के बीच कांग्रेस को लेकर समर्थन तेज हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ उसके गठबंधन से भी चुनावी समीकरण कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, लेकिन इन समीकरणों को चुनाव परिणाम में बदलने के लिए लगातार सक्रिय कार्यक्रमों की आवश्यकता है। टिकटों पर स्थिति साफ न होने से सबका ध्यान उसी ओर अटका हुआ है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से गठबंधन में मिली 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। लगातार बैठकें करने के बावजूद पार्टी इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पा रही है। आलम कुछ ऐसा है कि संभावित प्रत्याशियों की जोड़तोड़ में नए नए समीकरण भी जुड़ते जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 4 में से 5 बैठकें कर चुकी है। 2 बार पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो चुकी है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और पूर्व विधायक भीष्म शर्मा के नाम पर गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। ऐसे में अब इस सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित कई अन्य नेताओं ने भी ताल ठोकी है। चांदनी चौक से पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नाम को प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसी चर्चा हो रही है। अलका यहां से विधायक भी रह चुकी हैं, जबकि जयप्रकाश अग्रवाल का मान सम्मान काफी है इस इलाके में। इस सीट से एक अन्य उम्मीदवार पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता की भी खूब चर्चा हो रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान और पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार में से किसी एक के नाम पर मुहर लगना तय है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर और भी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस में हर सीट पर स्थानीय उम्मीदवारों को ही टिकट देने की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के लिए बीता कुछ समय मुश्किलों भरा रहा है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। यही कारण है कि इस समय उसे दिल्ली की चुनावी पिच पर कमजोर माना जा रहा है। लेकिन पार्टी में उत्साह भरने के लिए यह आंकड़ा पर्याप्त है कि पिछले चुनाव में हार के बाद भी 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 2 ही सीटों पर दूसरे नंबर पर स्थान बनाने में सफल रही थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2009 में उसने 7 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी के द्वारा उसके मतदाता वर्ग को हथियाने के बाद कांग्रेस कमजोर होती चली गई है। अब दिल्ली में इसलिए सभी जो दिल्ली में एक्टिव नेता हैं कांग्रेस को, उनको इंतजार है कि किसी तरीके से दिल्ली में सीटों का ऐलान हो, उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में बीजेपी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। INDIA गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी आम आदमी पार्टी में भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में उसके हिस्से 4 सीटें आई हैं, उस पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अब तक तय नहीं कर पाई है। इसलिए स्थानीय क्षेत्रीय नेता जो हैं वो बेहद नाराज हैं और परेशान भी हैं कि समय कम है और इस समय मुद्दे बहुत सारे हैं जनता को लुभाने के लिए, और अभी अगर उम्मीदवारों के चयन का, टिकटों का ऐलान नहीं होगा तो कैसे पार्टी तैयारी करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।